नमस्कार, मैं हूं यास्मी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे लगातार सोशल मीडिया के जरिए न्याय की मांग कर रही। वहीं कुछ लोग इसी केस में गिरफ्तार हुए रिया चक्रवर्ती के समर्थन में खड़े हैं। अंकिता लोखंडे को भी फिल्मी जगत की कई हस्तियां सपोर्ट कर रही हैं। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य जी ने भी अंकिता को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट लिखा था। इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन देवोलीना ने इसका करारा जवाब दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले रिया की दोस्त शिवानी डांडेकर ने अंकिता को टारगेट करते हुए कहा था कि वो 2 सेकंड के फेम के लिए ये सब कर रही, जिसके बाद अंकिता ने भी उन्हें करारा जवाब दिया था। वहीं हाल ही में बिग बॉस फेम देवोलीना ने अंकिता लोखंडे का समर्थन करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, वो जो भी हो लेकिन मुझे पूरे दिन ये कहना चाहिए कि 2 सेकंड फेम के लिए वो हमारी प्रिय अंकिता लोखंडे को टारगेट करती है। सच में ये तो हद ही हो गई। कहां से आते हैं ये लोग और कौन सी दुनिया में जीते हैं। अंकिता आपको ज्यादा से ज्यादा ताकत। देवोलीना के इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने एक पुराने मामले को लेकर देवोलीना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स देवोलीना की तुलना रिया चक्रवर्ती से कर रहे हैं। अभी रिया जेल में है और यूजर्स उस मामले को याद कर रहे हैं जिसमें देवोलीना को भी पुलिस जांच का सामना करना पड़ा था। दरअसल देवोलीना का नाम हीरा व्यापारी राजेश्वर उदानी के किडनैपिंग और हत्या के मामले में सामने आया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस जांच से गुजरना पड़ा था। यूजर्स का कहना है कि रिया पर लगे आरोप सिद्ध होने तक इंतजार करना चाहिए। देवोलीना ने सिर्फ एक यूजर को ही नहीं, कई यूजर्स को एक एक करके जवाब दिया। एक यूजर ने लिखा, आप भी कुछ दिन पहले जेल और कोर्ट के चक्कर काट रही थी। तो देवोलीना ने लिखा, भगवान की कृपा से ऐसी नौबत नहीं आई मेरी, भगवान ना करे लेकिन कहीं आपके चक्कर ना लग जाए, संभल के रहिएगा। दूसरे यूजर ने लिखा, मर्डर केस की तरह इस केस में भी रिया से पूछताछ ही की जा रही है। तो देवोलीना लिखती है, और हाँ मैंने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही किसी को दिया और ना किसी के पैसों का इस्तेमाल किया, आशा है आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो देखा आपने, देवोलीना ने उन्हें रिया से कंपेयर करने वालों को करारा जवाब दिया है। वैसे देवोलीना की बातों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।